देखिए, जैसे बीजेपी ने पिछले 10 साल काम किया, आज एक बार फिर सत्ता में आने के बाद उसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया है कि ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों को दबाने के लिए जो बीजेपी के आगे घुटने नहीं टेक रहे। अरविंद केजरीवाल जी की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने दिल्ली में 3 बार सरकार बना ली और बड़े मैंडेट से बना ली और दिल्ली के लोगों को सूल देने की काम कर रहे हैं। देखिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी सीबीआई की कि रातों रात अरविंद जी को गिरफ्तार करना पड़ा और कोर्ट में लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद जी को बेल दे सकती है। और बीजेपी और वाजपेयी कभी नहीं चाहते कि अरविंद जी बाहर आएं और लोगों की सेवा करें और लोगों की लड़ाई लड़ें, तो इसलिए पहले भी ऐसे काम करते रहे हैं लेकिन और आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है अरविंद जी बाहर आएंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खुद ही इतने बड़े बड़े आरोपों में घिरी हुई है, वो क्या आरोप लगाएगी? न जाने कितने अपराध और पाप किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। सीबीआई का केस कोई नया नहीं है, ऑलरेडी पहले से है। और आपको बताऊं, ये जो सीबीआई का केस है ये कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के द्वारा किया हुआ ये केस है, इसलिए वो कृपया बीजेपी पर कुछ भड़ास न निकालें, कांग्रेस से बात करें। और रही बात, अभी उनके ऊपर एनआईए का भी केस है आतंकवादियों से पैसा लेने का, तो जो व्यक्ति इतना आकंठ डूबा हो भ्रष्टाचार में उसके साथ जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता।